गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आई होप आप सभी सेफ है घर पे, आप सभी हेल्दी है। आई नो द सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड राइट नाउ। हम लोग हर रोज न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं कि कितना ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं एंड दिस ब्रेक्स माय हार्ट। सो आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप किस तरीके से घर बैठे ही अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पिछले 1-1.5 सालों से हम हल्दी, तुलसी, काढ़ा लेते रहते हैं घर पे अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी लगी ही रहती है। ये होता है क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है इसकी वजह से, जिसके लिए मैं और मेरी फैमिली कुछ स्पेशल करते हैं अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। कई सारे डॉक्टर्स एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट अभी यही रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें अपने डाइट में विटामिन सी, विटामिन D3 और मिनरल्स जैसे जिंक को इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन अगर हम यही विटामिन्स एंड मिनरल्स अपने डाइट के थ्रू, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू लेना चाहते हैं तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा चीज अडल्टरेटेड है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे फ्रूट्स में तो सैकरिन इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी वजह से डॉक्टर्स आजकल ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, विटामिन सी सप्लीमेंट, विटामिन D3 सप्लीमेंट, जिंक सप्लीमेंट। अगर हम कोई केमिस्ट शॉप पर जाते हैं तो कितने सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स अवेलेबल है। कुछ विटामिन्स के प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन कुछ विटामिन्स के प्राइस इतनी कॉस्टली है। तो ये जो डिफरेंस है प्राइसेस की, ये क्यों? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्वालिटी में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इतने चीप रेट में भी वो विटामिन हमें देते हैं। तो हमें जब सप्लीमेंट्स लेने जाना है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक है उसके बायो अवेलेबिलिटी और दूसरा है उसका अब्सॉर्प्शन रेट। कई सारे ऐसे मार्केट में सिंथेटिक विटामिन्स है जिनका अब्सॉर्प्शन रेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लेकिन वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, विच इज वाई वो हमारे बॉडी में काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली सस्ते के चक्कर में और ज्यादा महंगा पड़ जाता है। जो 300 रुपए के सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, शायद इन द लॉन्ग रन वो आपके लिवर या किडनी को डैमेज कर दे, आपके 3-4 लाख रुपए का भी खर्चा हो सकता है। जब हम लोग मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, शूज या कपड़े, तो कितनी ज्यादा क्वालिटी चेक हम लोग करते हैं, कितना ज्यादा उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं हमारे बॉडी के लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, उसके पर हम लोग जानकारी नहीं लेते हैं। जैसे कि हम लोग केमिस्ट शॉप पर गए, उन्होंने कुछ भी दे दिया, हमने ले लिया, लेकिन उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, वो प्लांट बेस्ड है कि नहीं, उसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल है कि नहीं, ये हम लोग पता नहीं करते। सो रिसेंटली मैं और मेरी फैमिली ने प्लांट बेस्ड ओजीवा विटामिन सप्लीमेंट्स को लेना स्टार्ट किया है, विच हैव साइंटिफिकली प्रूवन टू हैव बेटर अब्सॉर्प्शन रेट देन सिंथेटिक विटामिन्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सो एक एक करके मैं आप सभी को सारे सप्लीमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, वो हमें क्यों लेना चाहिए, उसका क्या वर्किंग है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। ओजीवा प्लांट बेस्ड विटामिन्स के बारे में बोलने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं और मेरी फैमिली ओजीवा का ये जो विटामिन्स है वो लेना स्टार्ट किया है। क्योंकि सबसे पहले मार्केट में जो विटामिन्स एंड मिनरल्स अवेलेबल है उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इनफैक्ट सिंथेटिक होते हैं वो, कई सारे प्रिजर्वेटिव्स होने की वजह से वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वेयर एज ओजीवा प्लांट बेस्ड है, टोटली वीगन है, नॉन GMO है, सॉय फ्री है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जीरो एडेड शुगर, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी नहीं है। इनफैक्ट जो विटामिन सी का सोर्स है वो रेजिन सी एक प्लांट है जो कि स्टैंडर्डाइज प्लांट है फॉर विटामिन सी, उससे डिराइव किया जाता है। और जो जिंक सोर्स है वो जिजेन जिंक नामक एक प्लांट है, विच इज स्टैंडर्डाइज प्लांट एक्सट्रैक्ट फॉर जिंक, उससे डिराइव किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ओजीवा प्लांट बेस्ड बेटर सी प्लस के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि विटामिन सी हमारे बॉडी में क्यों लेना चाहिए, क्या होता है विटामिन सी। विटामिन सी एक एसेंशियल विटामिन है, विच मींस कि वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, हमें उसे अपने डाइट के थ्रू लेना है। अब अगर हम लोग नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो कोई भी सिट्रस फ्रूट जैसे मौसम्बी, ऑरेंजेस, इनमें पाए जाते हैं विटामिन सी, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, ब्रोकली,
लेकिन आजकल सभी अडल्टरेटेड है या फिर ये सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है हर जगह पर, इसीलिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। रेकमेंडेड डेली इनटेक का जो डोज है वो है 75 mg फॉर वुमेन एंड 90 mg फॉर मेन, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पूरी हम लोग नहीं कर सकते थ्रू डाइट, तो इसी वजह से हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हमारे बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स जमा हो जाता है तो एक स्टेट आ जाती है विच इज नेम्ड एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से कई सारी क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती है हमारी बॉडी में। स्टडीज हैव शोन विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट लेवल 30% इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी में जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसे हेल्प करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इनफैक्ट विटामिन सी हमारे ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, हार्ट डिजीज के जो रिस्क है उसे भी रिड्यूस करता है। और हमारे बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी लो करता है। विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसी वजह से उसका जो राइट टाइम है उसे इंटेक करने का वो है सुबह खाली पेट। तो ये जो ओजीवा विटामिन है ये आपको 2 कैप्सूल हर रोज लेना है खाली पेट, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं खाली पेट तो आप कोई खाना खाने से 30 मिनट्स पहले इसे ले सकते हैं। तो इसके अंदर है 60 कैप्सूल, आपको हर रोज 2 कैप्सूल लेना है, तो ये एक बॉटल जो है आपको 30 दिनों तक चलेगी। अब कौन कौन इसे ले सकता है, अगर आपकी एज 15 ईयर्स से ज्यादा है तो आप इसे ले सकते हैं। ओजीवा विटामिन सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी एक्सट्रैक्ट्स ही नहीं, रोज हिप, एल्डरबेरी, एक्नीशिया प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से फुल होते हैं, स्किन रेडियंस को एनहांस करने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंक भी है इसके अंदर ताकि विटामिन सी का जो अब्सॉर्प्शन है बॉडी में वो और भी अच्छी तरीके से हो। अब बात करते हैं ओजीवा प्लांट बेस्ड बेटर D3K2+ के बारे में। विटामिन D3 को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि जब हमारे बॉडी में सनलाइट पड़ती है मतलब धूप के वजह से हमारे स्किन में कोलेकैल्सिफेरॉल प्रोड्यूस होता है, जो कोलेकैल्सिफेरॉल फिर लिवर में जाकर कन्वर्ट होता है एंड वही कन्वर्टेड फॉर्म अगेन किडनी में जाता है, किडनी में जाकर वो एक एक्टिव विटामिन डी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और यही एक्टिव विटामिन डी फॉर्म हमारे बॉडी में जो कैल्शियम अब्सॉर्प्शन है उसे बढ़ाता है, कैल्शियम डिपॉजिट करता है बोन्स में, बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, बोन टिश्यू रीबिल्डिंग में हेल्प करता है। विटामिन डी की अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एनिमल बेस्ड मतलब नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है, जैसे फिश ऑयल, फिश लिवर ऑयल, एग योक, तो जिसकी वजह से वेजिटेरियन डाइट में ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आप इस तरीके का सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डेली रिकमेंडेड डोज है 10-20 mg, लेकिन अगर आपके सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम है तो आप वो जो डोज है डेली डोज वो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं लगभग 1.5 साल से घर पे ही हूँ तो मेरा सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रेकमेंडेड डोज से मुझे ज्यादा ही लेना पड़ेगा विटामिन D3। अब इसके नाम से ही आप सबको पता चल रहा है सिर्फ D3 इसके अंदर नहीं है, K2 भी लिखा है, विच मीन्स अनदर विटामिन इसके अंदर है विच इज विटामिन K2। विटामिन K एक ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म के लिए हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होता है तो अगर कहीं पर कट हो जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएंगे। विटामिन K1 जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, और विटामिन K2 का जो सोर्स है वो है एनिमल फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स। विटामिन K2 क्यों चाहिए विटामिन D3 के साथ, क्योंकि विटामिन D3 जब कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ाता है तो K2 क्या करता है, सही जगह पर डिपोजिशन करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे बोन्स में, और गलत जगह जैसे आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स में कैल्शियम डिपोजिशन होने को ये प्रिवेंट करता है। ओजीवा बेटर D3K2+ के साथ कर्क्यूमिन, अश्वगंधा, रोजमेरी भी है, जिनके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो स्ट्रेस को रिलीव करता है, मूड को लाइटन करता है। अगर आपकी एज 18 ईयर से अबव है तो आप इसे ले सकते हैं। विटामिन D3 आपको लंच के टाइम लेना है। अब बात करते हैं ओजीवा प्लांट बेस्ड बेटर जिंक प्लस के बारे में।
जिंक हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है और वो जाता है 60% मसल में, 5% स्किन में, 5% अदर टिश्यूज में एंड 30% बोन में। डेली रिकमेंडेड जो डोज है जिंक का वो है 11 mg पर डे फॉर मेन और वुमेन का है 8 mg पर डे। ओजीफा का ये जो जिंक है इसके साथ साथ जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट, कैमोमाइल, ब्लूबेरी, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड भी है जो कि एक्ने को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छे से वर्क करता है, स्किन को रेडियंट करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इनफैक्ट ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल डिविजन, सेल ग्रोथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है एंड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में दैट इज सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। जिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट के लिए। ओजीवा प्लांट बेस्ड बेटर जिंक प्लस में कैमोमाइल है, जिंजर रूट है, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है जो कि हेल्प करता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, साथ साथ उनके कई सारे एक्ने कंट्रोल बेनिफिट्स भी है। आपको 2 कैप्सूल हर रोज लेना है 1 घंटा खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद। That's it for today's video. I hope ये video आप सबके लिए helpful था। अगर आप इन products को purchase करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए links से आप purchase कर सकते हैं जहाँ से मैंने purchase किया है। अगर कोई भी query है तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं, मैं next video में आप लोगों के साथ definitely share करूंगी। Video पसंद आए तो video को like कीजिए, share कीजिए और इसी तरीके का videos हर रोज देखने के लिए मेरे channel को जरूर subscribe करें। आज के लिए इतना ही, stay blessed, stay happy, bye.